स्टार्ट करते हैं डीवैल्यूएशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन। क्या होता है सबसे पहले हमको समझना है, डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन क्या होता है, या इसके साथ साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, अवमूल्यन मूल्यन एवं अधिमूल्यन अथवा रुपया का गिरता हुआ मूल्य, डिवेल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन और फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपीज। इसलिए क्या है, डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज। अब सबसे पहले मुझे क्या समझना है कि डिवेल्यूएशन क्या होता है। जैसे मुझे वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन की बात कर रहा है, लेकिन इसको किसके साथ यूज किया है, वो डिवेल्यूएशन। दो वर्ड दिख रहे हैं ना कहीं कहीं ना कहीं, वैल्यूएशन मतलब कि मूल्यन, मतलब हम किसी की क्या कर रहे हैं, कुछ उसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसको क्या कर रहे हैं, डीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, डीवैल्यूएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। या अवमूल्यन का एकदम आसान भाषा में बोलूं तो क्या बोलेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के में मूल्य कम कर देने को अवमूल्यन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई देश अपने देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा पहले से कम मूल्य में लेने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि भारत का 100 रुपए $50 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो 100 रुपए है वो $50 के बराबर है। यदि किसी कारणवश भारत सरकार 100 रुपए की विनिमय दर $40 निर्धारित कर देता है, तो हम इसे रुपए का डॉलर में अवमूल्यन कहेंगे। पहले जो हमारी 100 रुपीज वैल्यू थी, उसके बदले में हमें कितने डॉलर मिल रहे थे, $50 मिल रहे थे, और हमने क्या कर दिया, अपने रुपए की वैल्यू को कम कर दिया, और हम उसको कितने में लेने के लिए तैयार है, $40 में। तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसको डीवैल्यूएट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है वो, कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, इट मींस डेलिबरेट रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी। या जिसको डीवैल्यूएशन को और आसान भाषा में बोले तो मुद्रा के अवमूल्यन में, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी की जाती है, जो उसकी एक्सटर्नल वैल्यू है हम उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते। इट मेक्स एक्सपोर्ट चीपर इन फॉरेन मार्केट्स एंड इम्पोर्ट हायर इन डोमेस्टिक मार्केट। अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, किसकी, डिवेल्यूएशन या अवमूल्यन की क्या परिभाषा होती है। डॉक्टर गांगुली के अनुसार, डॉक्टर गांगुली क्या बोल रहे हैं, अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना है। या इंग्लिश में बोलेंगे तो डीवैल्यूएशन मे बी सिंपली डिफाइंड एज द लोअरिंग ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री क्या कर रही है, बाह्य मूल्य में उसके एक्सटर्नल वैल्यू को क्या कर दे रही है, कम कर दे रही है, लोअर कर दे रही है। जैसे कि मुझे समझ में आया कि पहले क्या था, वो 50 था, और अब वो 40 में उसको 100 का मिल रहा है। पहले उसको 50 पे करना होता था 100 के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, हम अपनी पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हैं। फिर एक और डेफिनेशन है पॉल एक्जिंग के अनुसार, देश की मुद्रा की अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य के साथ निर्धारित सरकारी क्षमता ऑफिशियल पार्टीज में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। क्या बोल रहे हैं, डेवल्यूएशन मींस लोअरिंग इन ऑफिशियल पार्टीज। हम क्या कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट निर्धारित सरकारी क्षमता, जो ऑफिशियल अपनी क्या है, पार्टीज हैं, उनमें क्या कर दे रहे हैं, डिवेल्यूएट कर दे रहे हैं उसको। तो मुद्रा के अवमूल्यन में, मुद्रा के बाह्य मूल्य में, उसकी एक्सटर्नल वैल्यू में हम क्या कर देते हैं, कि में कमी आ जाती है, परंतु इसका आंतरिक मूल्य पूर्ववत ही रखा जाता है। अतः अवमूल्यन के पश्चात सामान्यतः देश की अंदर मुद्रा की क्रय शक्ति पहले जैसी ही रहती है, परंतु देशी वस्तुएं विदेशों के लिए सस्ती हो जाती है। तो हमको एक चीज समझ में आई कि डीवैल्यूएशन हम किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ उसकी एक्सटर्नल वैल्यू के लिए, उसकी इंटरनल वैल्यू में उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो हमारी जिस भी समझ लेते जो भी कंट्री ये करती है, तो वो क्या करती है, उस कंट्री में जो डोमेस्टिक मार्केट होगा
उसमें उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है, और जो उसके लिए फॉरेन कंट्रीज होती है बस उनमें उसकी जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डीवैल्यूएट हो जाती है। क्लियर है डीवैल्यूएशन क्या होता है? और इजी में बोलूं तो जब कोई देश अपनी मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा पहले से कम मूल्य में लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। क्लियर है? अब हमको क्या बता रहे हैं वो कि, या मैं और आसान और इसमें बताऊंगी, एक एग्जाम्पल दे रहा है। द टर्म डेविलिएशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बिफोर डेविलिएशन ऑफ इंडियन रुपीज ऑन 6 जून 1966, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द इंडियन रुपीज एंड ब्रिटिश पाउंड वॉज ₹1 = 21 सेंट। 1 रुपए के बराबर कितने सेंट थे? 21 सेंट। सेंट क्या है? ब्रिटिश की करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, यूएस की करेंसी डॉलर है, वैसे हर कंट्री की जनरली अलग अलग करेंसी होती, तो सेंट में होता है वहां पे। आफ्टर डिवेल्यूएशन दिस रेट बिकम ₹1 = 13.3 सेंट। एज अ रिजल्ट ब्रिटेन इम्पोर्ट बिकम डियरर फॉर इंडिया। बिफोर डिवेल्यूएशन इट कुड बाय गुड वर्थ ओनली 13.3 सेंट फॉर ₹1। एज अ रिजल्ट ब्रिटिशन इम्पोर्ट फेल हैविंग बिकम डियरर। ऑन द अदर हैंड इंडियन एक्सपोर्ट बिकम चीपर इन ब्रिटिश बिकॉज द ब्रिटिश ट्रेडर कुड बाय गुड्स वर्थ ₹1 फ्रॉम इंडिया बाय पेइंग 13.3 सेंट। तो क्या बोल रहा है उसने, क्या किया ये जनरली किसके पर्पज से कर रहा है? एक चीज और समझ में आई कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पर्पज से कर रहा है, क्योंकि जो उसका बोलना चाहिए खुद का मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है उसका, घरेलू जो बाजार है उसमें तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। सिर्फ चेंज किस में होता है? डीवैल्यूएशन होता है, तो उसकी जो भी एक्सटर्नल वैल्यू होती है। फिर क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी, द रुपी वॉज लिंक्ड टू द ब्रिटिश पाउंड टिल 1946। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी वॉज फिक्स इन टर्म ऑफ पाउंड, बट इंडिया हैज फिक्स एक्सटर्नल वैल्यू रुपीज इन टर्म ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर। इट बिकम द मेंबर ऑफ IMF सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट इन रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज करेंसी लाइक यूके पाउंड, यूएस डॉलर एटसेट्रा। रीसेंट डिक्लाइन वैल्यूज बता रहा है, या जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसका क्या रीसेंट बता रहा है, पर मैं अगर स्टार्टिंग से देखूंगी तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कब से शुरू हुआ था डीवैल्यूएशन इंडिया में, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, इंडिया का पढ़ रहे हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन के क्या क्या उद्देश्य या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, फिर हम क्या देखेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कैसे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे पहले टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डीवैल्यूएशन करने का? कि हमारा क्या हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफिसिट है वो करेक्ट हो जाए। इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट इज ऑन परसिस्टेंट नेचर, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द कंट्री अदर देन द डीवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब हम अपनी करेंसी का वैल्यू कम कर देंगे तो लोग क्या करना ज्यादा पसंद करेंगे, खरीदना ज्यादा दूसरी कंट्री पसंद करेंगी, तो फिर हमारे पास और करेंसी आएगी, भले ही वो कम आएगी बट आएगी तो सही। अब देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज 10 रुपए की मिल रही है, तो आप खरीदने के लिए एक बार सोचोगे, अगर वही चीज आपको सेम प्रोडक्ट आपको 5 रुपीज में मिलेगा तो आप इजीली परचेस करोगे, सेम है तो क्या उससे होगा क्या कि आप जो सामने वाला होगा उसका सामान तो सेल हो रहा है ना उस पर्पज से। तो इंडिया का मेन क्या पर्पज है, क्या बोल रहा है, टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, टू चेक डंपिंग। Dumping means that a country sell its product in another country at a price of less than its cost of production. The objective is to force the exit of producer in foreign countries by selling goods below of the cost of production. To counteract dumping, it becomes necessary for a country to devalue its currency. Devaluation would automatically put an end to dumping by making import expensive. फिर क्या बोल रहा है, डीवैल्यूएशन पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता रहा है। वो मेन किस ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा,
कि मैं क्या कर सकूं, मेरे पास एक्स्ट्रा करेंसी आ सके। तो हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिसिट से बचने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, मनी को डिवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब मैं इसकी हिस्ट्री देखना चाहूँ कि भारत में अवमूल्यन कब हुआ था, या मैं बोल सकती हूँ भारत में रुपये का अवमूल्यन बोल सकती हूँ या डिवेल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज, सबसे पहले कब हुआ था, ये तो रिसेंट डेटा दिखा रहा है हमको, पढ़ना है सबसे पहले के बारे में बता रहा है। रिसेंट डिक्लाइन कर रहा, फर्स्ट डिवेल्यूएशन डन इन सितंबर 1949 बाय 30.5 एंड रुपी केम डाउन टू 30 सेंट। 1949 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन, 18 सितंबर 1949 में इंग्लैंड के तत्कालीन वित्त मंत्री ने स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य 30.5% कम कर दिया। इससे स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य 4.03 से घटकर 2.8 डॉलर ही रह गया। ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए 17 अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन 30.5% कर दिया। कुछ राष्ट्रों ने केवल 5.6% ही अवमूल्यन किया। तो सबसे पहले कब हुआ था, 1949 सितंबर में। फिर सेकंड कब हुआ, 1966 6 जून बाय 1966, तब कितना अवमूल्यन हुआ था, 36.5। तो क्या बोल रहा है, 1966 में रुपए का फिर अवमूल्यन हुआ। जून 1966 में भारतीय रुपए का स्वर्ण में संबंधित विदेशी मुद्रा के संदर्भ में 36.5% अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन के फलस्वरूप अमेरिकी डॉलर की कीमत जो पहले 4.76 थी, वह बढ़कर 7.50 हो गई, और इंग्लैंड में पौंड की कीमत 13.3 से बढ़कर 21 हो गई। इसका अर्थ यह है कि नई अधिकृत विनिमय दरों के कारण अवमूल्यन 57.5% हो गया। तो सेकंड कब हुआ था, 6 जून 1966 को, फर्स्ट हुआ था 1949 सितंबर में, सेकंड हुआ 6 जून 1966 को 36%, पहले 30% होता। थर्ड कब हुआ था, जुलाई 99 रुपए का पुनः अवमूल्यन फिर से हुआ। थर्ड वाज मेड इन 1991 जुलाई फ्रॉम 20-23% ऑफ मेजर करेंसीज। क्या बोल रहे हैं, देश में बढ़ते आयातों एवं निर्यातों में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपेक्षाकृत वृद्धि ना होने की प्रवृत्ति के जारी रहते, मतलब एक ट्रेंड हो गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, और हम लोग जो थे, जो हमारी कंपनी थी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। फलतः अनावश्यक आयातों के हतोत्साहन एवं निर्यातों को बढ़ाने के लिए भारतीय रुपये का विश्व की 5 मुद्राओं, पोलैंड पौंड, स्टर्लिंग, अमेरिका डॉलर, जापानी येन और जर्मन मार्क, ये 5, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, थर्ड वॉज मेड इन 1991 जुलाई फ्रॉम 20-23% ऑफ मेजर करेंसीज, मतलब सबके लिए डिवेल्यूएशन नहीं किया था, 5 मेजर करेंसीज थी, सिर्फ उनके लिए ही हमने अपनी रुपीस की जो वैल्यू थी उसको डिवेल्यूएट किया था। कौन कौन सी थी, पौंड, स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और जर्मन मार्क। हमने क्यों किया, उसका रीजन भी बता रहा है कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हो नहीं रहा था, उसमें कुछ ज्यादा अच्छा हो नहीं रहा था, तो हमने अपने इम्पोर्ट को डिमोटिवेट करने के लिए और एक्सपोर्ट को बोलना चाहिए इंक्रीमेंट करने के लिए क्या किया, फिर क्योंकि हमको अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिसिट को क्या करना था, सॉल्व करना था उस प्रॉब्लम को, तो हमने फिर इन 5 करेंसी में क्या किया, डिवेल्यूएशन किया अपने रुपीज वैल्यू का। द डिक्लाइन वॉज ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, लिबरल पॉलिसी एंड गल्फ वॉर, इंडियन रुपी लॉस्ट इट्स वैल्यू ऑफ डॉलर इन ओपन मार्केट। फिर वही बता रहा है कि 1919 के बाद क्या हुआ, अन्य देशों की मुद्राओं के साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया था। अब भारत में रुपए का विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह बाजारी शक्तियों से अभिप्राय विदेशी मुद्रा की मांग व विदेशी मुद्रा की पूर्ति से है। समझ में आया, इसका हिस्ट्री भी बोल सकते हैं या जनरली बोलेंगे तो क्या क्या डिवेल्यूएशन कब कब हुआ ये मुझे पता चलना चाहिए। इंडिया में सबसे पहले हुआ था 1949,
सितंबर में, सितंबर 1999 में, फिर हुआ जुलाई 6 जुलाई 1966 में, कितने कितने परसेंट हुआ। थर्ड जब हुआ तो मेजर करेंसीज में हुआ, सबके लिए नहीं हुआ, लेकिन 1991 के थोड़े दिन बाद फिर सबके लिए नॉर्मल तरीके से हो गया। लेकिन गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है, मार्केट डिसाइड करता है क्यों किया डिवेल्यूएशन। अब ये भी होना चाहिए मेरे पास, देखो ये सब बता रहा है कि क्यों करना पड़ा। कॉज सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अधिकांश अर्थशास्त्रियों का, जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका मत क्या था, सरकार द्वारा अवमूल्यन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर किया गया, परंतु सरकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती। 1991 में भारतीय रुपये का मूल्यन अभी करने के बहुत सारे रीजन थे। सबसे फर्स्ट रीजन क्या दिख रहा है, डिक्लाइन इन एक्सचेंज रिजर्व, या क्या बोल रहा है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब गल्फ वार हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, इसलिए बहुत सारी चीजों में चेंज करना पड़ा। तो क्या बोल रहे हैं कि विनिमय रिजर्व में गिरावट, डिक्लाइन इन एक्सचेंज रिजर्व, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण हमारा विदेशी मुद्रा कोष निरंतर घटता जा रहा था, डिफिसिट होता जा रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डिफिसिट बढ़ता जा रहा था। उसके इसका एक रीजन ये था कि हमें क्या करना पड़ा, डिवेल्युएशन करना पड़ा। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट हो। हमने अभी, हमारा उद्देश्य क्या था कि डिफिसिट कम हो, डिफिसिट कम होगा मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन क्या बोल रहा है, रिफॉर्मिंग द एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर्स को रिफॉर्म कर सकें। एक रीजन क्या था, विदेशी व्यापार में घाटा, लॉस इन फॉरेन ट्रेड, भारत में विदेशी व्यापार में भारी घाटा, बढ़ता हुआ घाटा भी अवमूल्यन का एक कारण था। इस घाटे को कम करने के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक था, जो कि अवमूल्यन से ही संभव था, क्योंकि विदेशियों को हमारा सामान सस्ता पड़ता तथा आयात घटते क्योंकि हमें विदेशी सामान महंगा पड़ता है। क्या होगा, कम में मिलेगा, जैसे मैंने बताया, जब कम में मिलेगा तो वो खरीदेंगे। फिर लो रैंकिंग इंटरनेशनल एजेंसीज टू प्रमोट कैपिटल इंफॉर्मेशन डिवेल्यूएशन बाय अदर कंट्री, क्योंकि दूसरी कंट्री कर रही है तो हमको भी करना पड़ेगा, दूसरे देश कर रहे हैं तो फिर बाकी देशों को भी करना था। एक ये रीजन था, टू प्रॉम्प्ट टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अन्य कारण में हमने क्या देखा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए, विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए। हमने उनकी वैल्यू के लिए कम किया, क्योंकि हम सबके लिए नहीं करते। जनरली आप जब जाएंगे, कभी आप लोगों में से कोई आगरा गया होगा, तो वो जो ताजमहल देखने के लिए जो टिकट लगता है वो इंडियंस को अलग लगता है और फॉरेनर्स को अलग टिकट पे करना होता है, पता है क्या किसी को? भारत में अपेक्षाकृत उच्च मूल्य स्तर के कारण भारत की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी नहीं थी। तो ये सब क्या थे, हमारे कॉज थे, क्या थे, कारण थे। अवमूल्यन क्यों किया गया, वाय डिवेल्यूएशन, क्यों करना पड़ा, क्या उसके कारण थे। कंडीशन, क्या कंडीशन थी, क्या बोल रहा है, सफिशियंट सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट टू मीट इंक्रीज डिमांड, स्टिमुलस डिवेल्यूएशन बाय अदर कंट्रीज, प्राइस लेवल शुड रिमेन स्टेबल, प्राइस लेवल स्टेबल रहे, डिवेल्यूएशन कैन अचीव बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब मेन जो है आपको पढ़ना है, इसके क्या पढ़ना है, वो इफेक्ट पढ़ना है कि क्या क्या इसके प्रभाव पड़े। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे और कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट, या जिसको बोलते हैं सकारात्मक प्रभाव, कि क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने क्या देखा कि उनको सस्ते दामों में मिल रहा है, उनको चीप प्राइस में मिलेगा तो वो लेंगे, तो इसको बोल सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब मूल्यन से यह आशा की गई कि निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, या जिसको बोल सकते हैं आयातों में कमी हुई, क्योंकि अवमूल्यन के कारण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अवमूल्यन बढ़ जाएगा, इसलिए विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो जाएगा और परिणामतः इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, फिर आयात का प्रतिस्थापन हो जाएगा।
थर्ड थर्ड क्या दिखा रहा है इसमें, बूस्ट टू टूरिज्म इंडस्ट्री। हमने जो अभी देखा कि हमारी जो भी विदेशी पर्यटन है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। भुगतान संतुलन में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, हमारे पास जितनी भी पूंजी है हम उसका क्या कर पाते हैं, पूरी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। भुगतान संतुलन में अनुकूलता, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था, हम डीवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफिसिट को कम करना है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पे क्या पड़ा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो कैसा हो गया, फेवरेबल हो गया। फिर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो क्या हो गया, बढ़ गया, पॉजिटिव इफेक्ट था, क्योंकि अब लोग ज्यादा, क्योंकि उनको कम पे करना पड़ रहा है उसमें ज्यादा मिल रहा है, तो इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल फ्लो हो जाएगा। फिर डिडक्शन इन फाइनेंशियल बिड्स, फाइनेंशियल बिड वित्तीय भार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टूरिज्म, और इससे क्या होगा, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसमें जो लिखे उसके अलावा मेरे पास जो बुक है उसमें बता रहा है, सबसे फर्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिक्लाइन इन इम्पोर्ट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, फिर डिडक्शन इन फाइनेंशियल वेट, इंकरेजमेंट टू फॉरेन टूरिज्म, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, निर्यात में प्रोत्साहन, आयात में कमी, भुगतान संतुलन में अनुकूलता, विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई, विदेशों सहायता में वृद्धि, वित्तीय भार में कमी हुई, विदेशी पर्यटक को बढ़ावा मिला और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं डिवेल्यूशन के, तो उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस क्या हो गई, कीमतों में क्या हो गई, बहुत वृद्धि हो गई, कीमत स्तर में वृद्धि हो गई। अवमूल्यन के फलस्वरूप आंतरिक कीमत स्तरों में वृद्धि होती है, एक ओर निर्यात बढ़ते हैं, दूसरी ओर आयात कम होते हैं, जिससे घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ति कम होने से कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन का क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसका क्या होता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके लाइफ में क्या होता है, बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जब ऑब्वियस है हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ प्राइस कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो जो उसका जो भी डोमेस्टिक मार्केट घरेलू बाजार होगा वहां पे प्राइसेस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो उसका क्या पड़ता है, फिर उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंक्रीज इन प्राइस बढ़ने लगेंगी। विदेशी ऋण में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन लोन में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म रेमेडीज, इसकी क्या होती है, कम समय के लिए बहुत ज्यादा क्या पड़ते हैं, फर्क पड़ते हैं, कम समय के लिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा समय के लिए हम इसका फायदा नहीं उठा सकते। हाई प्राइस फॉर इम्पोर्ट, हमें इम्पोर्ट के लिए क्या करना होता है, हाई प्राइस पे करना होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, फिर इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, आयातित कच्चा माल, आय का असमान वितरण होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अवमूल्यन से निर्यातकों और आयात प्रतिस्थापित उत्पादकों में की आय तो बढ़ जाती है, लेकिन अवमूल्यन से अन्य उद्योग क्षेत्रों में आय की कमी, आय में बढ़ोतरी नहीं होती, आय में कमी होती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, अस्थिरता आ जाती है, और शॉर्ट टर्म मेजर्स ही होते हैं हम, ये सिर्फ क्या है, अल्पकालीन उपाय है, जैसे इसमें लिखा है ना, शॉर्ट टर्म रेमेडी, हम लंबे समय के लिए इनको करके नहीं रख सकते। अवमूल्यन भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने की एक अल्पकालीन उपाय है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्यातक अपने उत्पादकों की कीमतें बढ़ा देते हैं, फलस्वरूप अवमूल्यन द्वारा निर्यात बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। तो हमने ये क्या देखे, इसके इफेक्ट देखे या इसके प्रभाव देखे, कि हम अगर डीवैल्यूएशन करते हैं रुपीस का, तो कुछ क्या होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, सकारात्मक प्रभाव होते हैं, और कुछ नकारात्मक या जिसको नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एज अ सोल्यूशन ऑफ 1991 क्राइसिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट एक्सपांशन डू नॉट इफेक्ट डिवेल्यूशन मच ऑन एक्सपोर्ट, लेस इफेक्ट इन इम्पोर्ट डिटरमाइन ऑन पॉलिसी ऑफ प्राइस फैक्टर, नॉट अ कंप्लीट सक्सेस डिक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन। जैसे हमने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा, वही बोल रहा है
इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अनहेल्दी इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारी डोमेस्टिक जो भी इकोनॉमी होगी, डोमेस्टिक जो भी मार्केट होगा, घरेलू बाजार, उस पर उसका ज्यादा क्या होगा, अनहेल्दी इफेक्ट पड़ेगा। इट इफेक्ट डोमेस्टिक प्राइस बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस राइज रेज इन रुपीज टर्म। तो मुझे क्या समझ में आया कि डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मनी वैल्यू को, मुद्रा की एक्सटर्नल वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में वो सेम रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट है उसको कम करना है। कब कब हुआ था हमने वो देखा, उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या कारण है, किस किस वजह से मुझे क्यों करना पड़ा डिवेल्यूएशन या अवमूल्यन, उसकी क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या उसके इफेक्ट्स थे। क्लियर है सभी को, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट।